Hi guys, today we're visiting Taj Mahal. Hi, my name is Abhishek. Namaste. Namaste. अभी हम लोग सर ताजमहल जा रहे हैं, रास्ते में उबरा होटल पड़ेगा यहाँ से साइड आगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बैटरी व्हीकल ही जा सकते हैं, क्योंकि 500 मीटर के एरिया में पोल्यूशन की वजह से बिल्डिंग काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलते हैं, अदरवाइज जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स होते हैं वो बंद कर देते हैं। ओके, जो यहाँ के 500 मीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं केवल उनको पास इशू किए गए हैं, जिससे वो आना जाना करते हैं यहाँ पे, बाकी सभी का कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकता। एक्सप्लेन करने का जो फ्लो है ना वो हिंदी में बेटर है। चलो बैठो चक्कर करके। तो अभी हम सबसे पहले टिकट परचेज करते हैं, तो टिकट काउंटर यहाँ से करीब थोड़ा सा ही पास में है, आगे चल के। ओके, आपका कोई भी बैग में कोई एटेबल्स आइटम है, चॉकलेट चिंगम? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ है तो रख दीजिए शॉप पे। गाइस, वी हैव एनीथिंग चिंगम और समथिंग? तो आपको वो मिल जाएगा, गम है? हाँ, वो दे दीजिए जो भी है, क्योंकि वो बाद में फेंक दिया जाएगा, अब फिर किसके वापस भी नहीं मिलेगा। और जो आपके पास सेल्फी स्टिक है वो भी नहीं जाएगा, वो भी मैं रख देता हूँ। यहाँ शॉप पर रख देते हैं, आपको रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, लाइन लगी हल्की पूरी, तो जो भी आप मेरे को दे दीजिए। सैनिटाइजर मास्क वगैरह ये सब है? नहीं कुछ संभाल के। ओके, थैंक यू भैया। और कुछ तो नहीं है? नहीं बस। ये चलेगा ना? ये कॉस्मेटिक आइटम है ना? तो भैया, ये लोग YouTube पे और ये सब पे इधर स्कैम्स मतलब बोलते हैं, मतलब जी जी जी, वो क्या होता है एक्चुअली में? सर, अनऑथराइज्ड पर्सन जो भी यहाँ वर्क करते हैं उनके थ्रू किया जाता है, जिनका रिपोर्ट्स होता है वो करने से डरेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये हम लोग वर्क करते हैं यहाँ पे, हमारा रोजी रोटी इसी चीज़ से चल रहा है, और कोई काम भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पर कोई इतना अच्छा है इंडस्ट्री एरिया नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, जो कि हम यहाँ पे इसके अलावा और कोई काम करते हैं। तो कैसे पता चलता है कि बंदा ऑथेंटिक है या नहीं? ऑथेंटिक सर, आपको अगर ऑफिस से आप गाइड्स लेते हैं तो आपको ऑथेंटिक मिलेगा, अदरवाइज आप और कहीं से लेंगे रोड पे चलते हुए तो ऑथेंटिक नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप भी हैं, यहाँ पे रेडीमेड आइटम जो परचेज किए जाते हैं। ओके, जो आर्टिकल्स जो बनाते हैं, ताजमहल मॉडल प्लेट, पोस्टर, बॉक्स, सैलिफेम, डिनर टेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि आपका काफ़ी
पर कहा जाता है कि ये डुप्लीकेट मार्बल देते हैं। हाँ, डुप्लीकेट मार्बल एक्चुअली में सॉफ्ट मार्बल होता है। ओके, जो कि क्या है कि उसका कुछ टाइम बाद कलर डल होने लगता है। ओके, लेकिन रियल जो संगे मरमर होता है उसको आप कितना भी टाइम रखेंगे वो उसका कलर डल नहीं पड़ेगा। ओके, बल्कि उसके अंदर में जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी वजह से वो शाइन करता है। ओके, तो उसी वजह से मूनलाइट में वो ताजमहल जो कलर चेंज करता है मूनलाइट में वो उन क्रिस्टल्स की वजह से। ओके, थ्री फॉरेनर्स है हमारा इंडियन इंडियन दो इंडियन थ्री फॉरेनर्स इनका नहीं लगे ये भी फॉरेन ये बच्चा है इनका टिकट नहीं लगे। ओके, हाय गाइस, टुडे वी गॉट अ गाइड एंड ही इज गोइंग टू हेल्प अस विजिट ताजमहल। हाउ एक्साइटेड आर यू? प्रीटी एक्साइटेड। Who is this? Amu. Okay, bro. So guys, we passed security and now we are proceeding to enter into Taj Mahal. लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर में सबसे ज्यादा स्टोन से यूज किया गया व्हाइट मार्बल एंड सैंड स्टोन। सैंड स्टोन से यदि समय के हिसाब से खराब होने लगता है। के अंदर में जिन लोगों ने वर्क किया था उनका 17 जनरेशन आज भी यही बात करते हैं। तो वो लोग क्या होता है जो सैंड स्टोन डैमेज होता है पीस उसको चेंज करके सेम टू सेम वही डिजाइन बना करके वहाँ पर न्यू पीस लगा देते हैं। मैं आपको अगला नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ। एक ये देखिए, ये पूरा पीस डैमेज हो चुका था तो सेम टू सेम वही डिजाइन बना करके यहाँ पे न्यू पीस लगा दिया गया। तो जो पहले के टाइम की जो डिजाइनिंग है सारे कार्विंग जो आज से उस टाइम पे टेक्निक यूज किया था सेम टेक्निक टूल्स बेट्स वगैरह आज भी वही चीज़ें यूज किया थी। ये व्हाइट मार्बल का टॉम है, काफ़ी गंदा हो चुका था। इसको साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया था। मुल्तानी मिट्टी से डॉम को पूरा कवर करके रखते हैं तो कुछ टाइम बाद इसको वॉश किया जाता है, जो नेचुरल व्हाइट कलर होता है वो निकल के आ जाता है। अगर डोम को मार्बल्स की जगह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का या सॉफ्ट मार्बल का ये इन चीज़ों का अगर डोम बनाया जाता तो क्या होता है जो डस्ट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता, फिर इसको साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है। जिस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं ताजमहल का यूज किया गया उस टाइम में सभी VIP पर्सन इसी गेट को यूज किया करते थे। वो इसीलिए क्योंकि पास में यमुना रिवर पे जाने का रास्ता है तो उस टाइम में जैसे एक हाईवे रिवर्स एक हाईवे का वर्क किया करती थी तो कम समय में दूरी तय करने की रिवर बहुत एक अच्छा जरिया था। तो ये दशहरा घाट है यहाँ से वो रिवर है। ओह माय गॉडनेस। एक मिनट। भैया आप थोड़ा धीरे धीरे हमारे साथ चलिए। ओके ओके, क्योंकि ये लोग क्या है धीरे धीरे चलते हैं। नहीं, मैं
आराम से ही चलूंगा। एक्चुअली मैं हमारा जो एक्सप्लेन करने के पॉइंट्स बाई पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वॉक करते करते क्या होता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं हो पाती, जो पॉइंट्स होते हैं हम वहाँ से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके भैया, मास्क मैंडेटरी हो गया क्या? नहीं, वैसे फिर भी मास्क कर दिया है, अभी इतना इशू नहीं है। Guys, there's Taj Mahal in the back. जैसे कि आप लोग जिस एरिया के अंदर में खड़े हुए हैं, ताजमहल का फोरकोट एरिया है, फोरकोट एरिया से सीधे पहले ताजमहल पे एंट्रेंस करने के लिए फोर गेट है, एंड फोर गार्डन से आप लोग इधर में देख रहे हैं जिस गेट से आपने एंट्री कर चुका है साझा के टाइम में गेट की पर्सन इसी गेट से गेट को यूज किया करते थे, आज के टाइम में भी गेट की पर्सन इसी गेट को यूज किया करते हैं, इसी गेट को गेट की गेट है। मैं गेट देख रहा हूँ बेस्ट गेट, ये जो ये वो मेन गेट है, इससे साझा एंट्री किया करते थे क्योंकि ये डायरेक्टली अग्रपोर्ट के लिए आता है, साझा इसी गेट से आया करते थे और इसी गेट से वापसी आया करते थे। जो साझा की फर्स्ट फैक्ट्री फतेहपुरी बेगम, इसी गेट के जस्ट फॉरवर्ड से पेड़ देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे बैठ कर डॉम में उनकी डेड बॉडी को वहाँ पर दफने गए, फर्स्ट फैक्ट को फतेहपुरी बेगम इसी गेट पेड़ के ठीक पीछे। जब मैं गेट देख रहे साउथ गेट लिपो कॉलोनी गेट है, जिसमें ताजमहल के अंदर वर्क किया था, वो इसके बैक साइड में रहा करते थे, कुछ वर्कर्स यहाँ रहते थे, जैसे कि रूम्स देख रहे हैं आप लोग, टोटल 210 रूम्स हैं, इसीलिए इस गेट को लिपो कॉलोनी गेट कहता है। सो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस गेट रॉयल गेट, तो आपको गौर करेंगे छोटे छोटे डॉम्स बने हुए हैं। सो पहले के टाइम में कैलेंडर्स कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन कैलेंडर्स होते थे, हिस्ट्री कैलेंडर्स होते थे, वन ईयर्स का ही कैलेंडर हुआ करता था, तो उस टाइम में ईयर्स काउंट करने के लिए प्रत्येक साल में एक डॉम रेडी करके रखा गया। काउंट करेंगे टोटल लेबर डॉम्स हैं, लेबर डॉम इस साइड में है, लेबर डॉम्स इसके बैक साइड में 22 डॉम्स, ताजमहल कंप्लीट होने में 22 ईयर्स लगे और 20,000 वर्कर्स ने इसमें वर्क किया। जैसे कि आप ब्लैक कलर का हैंडराइटिंग देख रहे हैं, ये अरबिक भाषा में कुरान के आयत लिखे हुए हैं, इसको वी शेप में लिखा गया, वी शेप में इसे इसीलिए लिखा गया 105 फीट हाइट होने की वजह से, रॉयल गेट का लिखावट को सिमेट्रिकल दिखाने के लिए इसको वी शेप में लिखा गया। ये नीचे वाले लेटर्स देखेंगे और टॉप के लेटर्स देखेंगे, आपको बिल्कुल सेम साइज के देखेंगे, हाइट के हिसाब से लेटर्स के साइज़ को मैनेज किया गया ताकि हाइट पे पहुंचने के बाद वो छोटे ना दिखें बल्कि सेम साइज़ के दिखें। फ्लावर स्लीप्स का जो डिज़ाइन देख रहे हैं सब रेयर जेम सिस्टम है, जो कि हम ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग में कहीं भी कलर पेंटिंग में यूज़ नहीं किया गया। ये बिल्डिंग का सेंटर लाइन है, मुमताज़ की डेड बॉडी को बिल्कुल ठीक सेंटर पॉइंट के अंदर में दफनाया गया था, सामने ब्राइट बिल्डिंग देखे वहाँ पे, यहाँ से देखिए ब्राइट बिल्डिंग काफ़ी पास दिख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर में आप लोग फोकस रखेंगे, जितना आप आगे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ब्राइट बिल्डिंग मूव हो रहा है, तो जितना आप आगे जाएंगे ब्राइट वाला बिल्डिंग पीछे होता जाएगा, अभी देखने पर बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा पास में है, आपको डिस्टेंस मालूम नहीं पड़ रहा हाँ, ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहे हैं, अब हम एंटर हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअल डिस्टेंस आपको इस गेट को क्रॉस करने के बाद दिखेगा, अभी आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल पास में ही है ताजमहल, अभी आप जब इस गेट को क्रॉस करेंगे तो आपको डिस्टेंस मालूम पड़ेगा। सर आप एंट्री करते हैं। ओके भाई, एक्चुअली डिफरेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर वाचिंग। सो गाइस, द एक्चुअल डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर वाचिंग राइट नाउ। ये
आरू मामू मामू देव भाभी पूरी क्या छे એમને આપી દે એમને So if you want a video inside, you have to pay $25. हमने नहीं दिया हाँ ब्रो वेरी मच एंड यू देवू यस एंड यू बुरी तो एक्चुअली मैं यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए 3 पॉइंट है फर्स्ट यहाँ से सेकेंड रेट से लास्ट वन VIP सीट उसके आगे आप लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं तो क्या होता है आप बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं इस वजह से कैमरा पूरा बिल्डिंग कैच नहीं करता जो बेस्ट पॉइंट है वो यही 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ तक फोटो अच्छे आते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं प्रोफेशनल लेना चाहते हैं इस तरीके से निकालेंगे वरना आपकी चांस है क्योंकि आज क्राउड काफ़ी ज़्यादा है Finally, Taj Mahal. नॉर्मल फोटो नहीं वो बोलना निकले एक्चुअली में यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफर्स वगैरह रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रोटेशन सिस्टम होता है उनका होने के बाद फिर हम लोग फोटो शूट करते हैं मैसेज ये फोन
तो प्लीज अभी तो ये जो फाउंटेन से देख रहे हैं आप सभी, ये फाउंटेन पुराने टाइम के उसी टाइम के जब से ये बिल्डिंग्स बना हुआ है, इन फाउंटेन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जल महल बना हुआ है। तो पहले के टाइम में यमुना रिवर से पानी लाते थे, उसको स्टोर करके रखा जाता था, एक बीकर टाइप का होता था, उसको घुमाते थे, घुमाने के बाद में जब प्रेशर बनता था तो प्रेशर को रिलीज करते थे तब जाके ये सभी फाउंटेन चला करते थे। लेकिन अभी इसमें मोटर फिट कर दिया है और जो बोरिंग वाटर यूज़ किया था ताजमहल रॉयल गेट के बिल्कुल सेंटर में वाइट टैंक जो देख रहे हैं, इस टैंक को इस तरीके से डिजाइन किया गया था क्योंकि ताजमहल का पूरा व्यू इसमें रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन अब इसको वीआईपी सीट का नाम दे दिया गया, वीआईपी सीट का नाम तब से दिया गया बिल क्लिंटन, टीसी डायनो जो भी वीआईपी पर्सन थे उन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स खिंचाया, तब से इसको वीआईपी सीट का नाम दिया गया। तो ये काफ़ी फेमस चेयर है वीआईपी सीट। ओके आइए ले यहाँ से अच्छे फोटो उस जगह से आते हैं, गार्डन है, गार्डन के पास में वहाँ पे एक चेयर है, तो अभी यहाँ से क्राउड आएगा तुम्हें तो फोटोज में वहाँ पे क्राउड नहीं रहेगा बिना टॉप से फोटो सायोतन की 3 बैप्सी, फर्स्ट बैप का नाम मैंने आपको बाहर बताया फतेहपुरी बेगम, सेकंड बैप का नाम सिरिंदी बानो, थर्ड बैप जिनकी याद में ताजमहल बनाया मुमताज। एक्चुअली में साया मुमताज को बहुत प्रेम करते थे, मुमताज भी साया को बहुत प्रेम करते थे। उस दिन साबित हुआ जब दक्षिण चोर खाने लोदी ने उनके खिलाफ जब विद्रोह किया, उनके विद्रोह को दबाने के लिए साया वहाँ पे गए, तो उस टाइम मुमताज प्रेगनेंट थी, प्रेगनेंट होने के बावजूद भी उनके साथ में गई थी। उसी दौरान 14 बच्ची डिलीवरी के उपरांत उनके अचानक तबियत बिगड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई मुमताज की। 17 जून 1631 में उनकी डेथ होने के बाद में उनकी डेड बॉडी को 6 मंथ तक बुरहानपुर में रखा गया। वैसे लिए क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जगह डिसाइड करने के लिए किस जगह पर इस बिल्डिंग को बनाया जाए और इसके लिए अच्छे आर्किटेक्चर को चुनने के लिए जब ये डिसाइड कर लिया तो 18 दिसंबर 1631 में उनकी डेड बॉडी को आगरा लाया गया, जिसके पे बिल्डिंग्स बनाए, इसके बिल्कुल ठीक सेंटर में नीचे बेसमेंट में उनकी डेड बॉडी दफना दिया मुमताज की डेड बॉडी को, उसके बाद इस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया। इसी वजह से इधर में जो मुमताज और साजा का जो रियल टूम है वो नीचे बेसमेंट में अभी जो टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं केवल रेप्लिका टूम देखने के लिए आते हैं, रियल वाला बंद कर दिया। तो बिल्डिंग के अंदर में सबसे मेन काम किया व्हाइट मार्बल का, तो व्हाइट मार्बल राजस्थान के नागौर इलाके से लाया गया। तो यहाँ पे यमुना रिवर है बैक साइड में, तो वहाँ से वो पानी को स्टोर करके रखते थे या ये फाउंटेन सारे चलाने के लिए, तो यमुना रिवर से पानी ला करके एक काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियों में करते थे, उसमें पानी को स्टोर करके रखते थे। तो दोनों साइडों से ये नौबत खाना, ये जल महल है इस साइड में, इधर में नौबत खाना है, तो दोनों साइडों से फाउंटेन को ऑपरेट किया गया। जितने ही फाउंटेन चलते थे सभी उस टाइम पे प्रेशर से चलाए जाते थे, उसको क्या होता था मैनुअली थे सारे, हाथ से ही उसको रोटेट किया जाता था, तो जब प्रेशर बनता था प्रेशर को रिलीज करते थे तब जाके सभी फाउंटेन चला करते थे। ओके तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ताजमहल का सबसे मेन डिज़ाइन डिसाइड किया गया था क्राउन ताज, तो बीच वाला पोर्शन ऑप्टिकल सेम में जो बना हुआ है सेम टू सेम जो क्राउन का डिज़ाइन होता है
वही डिजाइन कंप्लीट किया गया, लेकिन जिसके मेन आर्किटेक्चर थे मोहम्मद अब्दी साहब, उन्होंने साझे को कहा कि इसके अंदर में ये फोर प्लेयर्स और बन जाएंगे, उसका खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इसमें फोर प्लेयर बनाना स्टार्ट किया गया तो साझा ने उनके सामने क्वेश्चन रखा, बाई चांस आंधी तूफान भूकंप वगैरह कोई भी ऐसा होता है तो टूटने के बाद मेन बिल्डिंग के ऊपर गिरेंगे तो पूरा बिल्डिंग डैमेज रहेगा, तो इसीलिए इसके मेन आर्किटेक्चर थे उन्होंने माइंड किया। इन प्लस को बनाते टाइम में 2 डिग्री टिल किया गया आउटसाइड के लिए, हल्का सा बैंड है बाहर की तरफ, और कोई भी ऐसा होता है मेन बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे बल्कि आउटसाइड में गए, क्योंकि चारों प्लर चारों साइड में 2 डिग्री टिल किए गए आउटसाइड के लिए। इधर वो मस्जिद है, तो पहले के टाइम में मस्जिद बनना बहुत जरूरी था नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो पहले मस्जिद कम्प्लीट किया गया। इसी के साथ साथ दूसरा पार्ट इधर में रॉयल गेस्ट हाउस, तो सामने जो देखें ये रॉयल गेस्ट हाउस है, इसे यूज़ नहीं किया गया कभी भी, केवल ये बिल्डिंग को सिमेट्रिकल दिखाने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर में रॉयल गेस्ट हाउस बनाया गया। तो मस्जिद का जो जुम्मे का नमाज होता है वो फ्राइडे के दिन नमाज होता है, तो उस टाइम बिल्डिंग को बंद रखते हैं, फ्राइडे को बिल्डिंग बंद रहता है क्योंकि जो यहाँ के लोकल्स मुस्लिम हैं वही यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसी वजह से इसको बिल्डिंग को बंद, सो फ्राइडे बंद होता है, फ्राइडे को बंद रहता है। बाकी आगरे में जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो ओपन रहते हैं फ्राइडे को, केवल ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है। भैया आप कितने साल से गाइड का काम करते हो? मेरे को 10 इयर्स हो गए। ये वाला जो पेड़ है ना, ये चंदन का पेड़ है, ये इधर नहीं है छोटा सा ये, क्योंकि एक्चुअली में यह कि जो रेड लाल चंदन होता है वो केरल कर्नाटक साइड में इन जगह को होता है, घने जंगलों में, यहाँ पे ये नॉर्मली वाइट चंदन होता है। ओके, एक आप जानते हैं मतलब ये ताजमहल के एरिया में आउटसाइड में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एंट्री करने के लिए क्यू फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ का मेन मोजिलियम का टिकट परचेज करना पड़ेगा 200, हम लोग वहाँ से అలాంటి కానీ అలౌడ్ ఇల్ల వందరా तो ये काउंटर है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाकर टिकट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें टूल देखने के लिए सारे मिलता है, टूल वो देखने के लिए वो रैपी का टूल देखने के लिए मिलता है, तो पूरा क्यू फॉलो करके जब एंटर करेंगे तब देखेंगे। तो इस बिल्डिंग का सबसे मेन खासियत ये, आप कहीं भी किसी भी साइड से देखेंगे, चारों साइड से देखेंगे बिल्कुल सेम है। तो आज से करीब 367 ईयर्स पहले
जब इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया था उस टाइम इस पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करने में 4 करोड़ रुपीस खर्च हुए। बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद में साजन ने सोचा तो मैंने अपनी वाइफ की याद में बना दिया, लेकिन अपनी याद में क्या बनाया, कुछ नहीं। इसी का सेम टू सेम दूसरा पार्ट वो बनाना चाहते थे ब्लैक ताजमहल, इसके ठीक बैक साइड में, लेकिन उसे वो कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करके आगरा फोर्ट के अंदर में रखा था। तो जितना कंप्लीट हुआ केवल उसका फाउंडेशन कंप्लीट हुआ है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले हम लोग रूम देखने के लिए चलते हैं। ओके आइए, उनका फोटो ले लें। अब जो टॉप पे जो पुनीतस देख रहे हैं एक आइडिया कीजिए उसका हाइट कितना होगा। जो वो है जो टॉप पे डोम के ऊपर में जो टॉप पे जो पिनिकल है, एक आइडिया कीजिए उसका हाइट कितना होगा। 12-15 फीट। इसका एक्चुअली जो हाइट है 32 फीट का है। ओहो, लेकिन साजा के टाइम में जो गोल्ड था उस टाइम इसका हाइट है 33 फीट। गोल्ड वाला उसमें से भी एक फीट कम कर। Bibi, come to Taj Mahal. चले जाओ कोई से भी बताओ निवारण करेंगे बेटा पास लाइए कौन ले आता है आप साथ में आइएगा। आप भी जाओगे पर रुकी नहीं होगी यहाँ पर। आइए आप साथ में। चलो 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 गाइस, एक मिनट। So how did you come to know Aru about Taj Mahal? I learned in school because it's one of the 7 wonders of the world. So do you think that this is the 7th or the 7 wonders of the world? In the 7 wonders of, yes, definitely. You liked it? Yes. Now we're going to wear shoe covers. Thank you. You are welcome, bro. बंद करो। लाइन पकड़ो। ब्रो आरु
Can you touch? How do you feel it? Very soft. देखें आप तो भी ब्लैक का कौन सा है वो वाला क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करके आगरा फोर्ट के अंदर में रखा तो इस साइड में आगरा फोर्ट है यहाँ थोड़ा यमुना रिवर की वैसे काफ़ी फॉगी हो रहा है तो उस पर ऐसे वो दिखेगा नहीं आगरा फोर्ट तो 1666 में एक शाहजहाँ का डेथ हुआ था तो उनकी डेथ बॉडी को वहाँ से ला करके मुमताज के बराबर से दफना दिया तो मुमताज और शाहजहाँ का जो रियल टूम है वो नीचे बेसमेंट में तो शाहजहाँ का भी नीचे बेसमेंट में दफनाया अभी जो टूम देख रहे हैं वो रेप्लिका है रेप्लिका हम लोग उसे इसीलिए बोलते हैं कि जब कितना अंदर 27 फीट डाउन है नीचे 27 कभी जो रेप्लिका टूम देखने के लिए हम जाएंगे तो वो रेप्लिका टूम भी शाहजहाँ ने मुमताज का उसी टाइम बनवा दिया वो इसीलिए क्योंकि जब शाहजहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि मुमताज की डेड बॉडी कहाँ पे दफनाया गया तो इसीलिए ये मालूम करने के लिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि भविष्य के अंदर में कोई भी यहाँ आएगा उनकी डेड बॉडी का अपमान होगा तो ये जानने के लिए कि उनकी डेड बॉडी को कहाँ पे दफनाया था उसी के सेंटर में एक और टूम बना दिया ताकि उनकी डेड बॉडी का अपमान ना हो ताकि उनके ऊपर से कोई ना मिले ओके तो एग्जैक्टली इसीलिए इस बिल्डिंग के अंदर में डबल टूम है शाहजहाँ और मुमताज का रियल वाला नीचे बेसमेंट में ऊपर में रहे ओके नीचे बेसमेंट में डबल है उनका भी डबल टूम तो सभी वर्कर्स के हैंड कट नहीं किए गए थे जो कुछ वर्कर्स थे जिनके हैंड में इन्फेक्शन हो गया था उनके मेडिकल रीजंस की वजह से उनके हाथ कट करने पड़े अदरवाइज ऐसा नहीं है वैसा मिथ नहीं है कि इतना खूबसूरत बनाया मैं आपके हाथ काट दूंगा ऐसा मोन्यूमेंट नहीं बने ये वाला मिथ नहीं और कुछ एक मुहावरे तौर पे भी कहा जाता है किसी को काम करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया उनसे बोला अब इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के बाद में सैमसंग दूसरा बिल्डिंग नहीं बनाओगे और इस काम को भी नहीं करोगे तो उनको परमिशन भी नहीं मिला था तो इसी बात को एक मुहावरे तौर पे कहा जाता है उनके हाथ कट कर दिए रेल में हाथ तो क्योंकि ये वर्क जो है काफ़ी हार्ड वर्क होता है जैसे ये प्रॉपर स्लीप से डिजाइन जो देते हैं इन फिंगर से तो वो फिंगर से क्या होता है पूरा डैमेज हो जाता है डैमेज होने के बाद में जो इसका पाउडर निकलता है वो फिंगर में लगता है नीचे वाटर टपकता था वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे पानी टपकता है क्योंकि जो उसका साइज है जो डिजाइन से बना हुआ है एक वेल की तरह है घंटी की तरह है तो उसमें जो इस तरीके से बना हुआ है तो उसका जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जब जो ह्यूमिडिटी होती है रिवर के नज़दीक है ये बिल्डिंग जब सन का लाइट पड़ता है तो हीट होता है तो जो सारा ह्यूमिडिटी है वो बूंद बूंद करके टपकता रहता है आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुमताज के टूम पर एनी टाइम गंदा पानी गिरता रहता है उसका ये रीज़न नहीं कि कारीगरों ने इसमें कमी छोड़ दी अच्छा। उसका मेन रीज़न ये है कि वो ह्यूमिडिटी की वजह से वो पानी टपकता है अच्छा।
Guys, we did not record inside because it is prohibited. जनरेशन डेमो वो मैं आपको बाहर एग्जिट पर दिखाऊंगा, क्योंकि वो लोग क्या कि छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाते हैं कि वहाँ साइड में जो भी प्राइवेट शॉपिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ से टूरिस्ट सुबह आइटम परचेस करते हैं, तो वो लोग फेक क्वालिटी सेल किया करते हैं, रियल मार्बल नहीं होता। रियल मार्बल के अंदर में कार्विंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो कार्विंग के अंदर मैं जिन मजदूरों वर्क किया था उनका 17 जनरेशन आज भी यही काम करती हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन सा स्टोन कहाँ से आया है, कौन कौन से स्टोन्स बिल्डिंग के अंदर में यूज़ किए गए। ओके, तो यहाँ का ताजमहल फेमस है। सेकेंड यहाँ का जो कार, लेकिन अभी क्या कि हर जगह पर आपको पेटे का शॉप्स मिल जाएंगे, कुछ जगह पर रियल होता है कुछ जगह पर रहती है। तो इसका जो ओरिजिनल ब्रांच है वो है पंचीपेड़ा, क्योंकि पंचीपेड़ा भी आप आगरे में कहीं भी हर किसी रास्ते से आएंगे हर जगह आपको पंचीपेड़ा का शॉप मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट ये है कि जो उस पर ISC सर्टिफाइड मार्क हो, जो रजिस्ट्रेशन शॉप हो, वहाँ से आप पेटा लें तो वो बेटर चाहिए। आप काले लेंगे नाइस होए ताजनी बाजू में। हाँ यहाँ का बैम्बू साड़ी एंड बनाना साड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पूरे एरिया गवर्नमेंट में आता है, बैम्बू एंड बनाना का फार्मिंग किया हुआ है, तो उसमें से जो फायर्स निकलते हैं उसका सिल्क किया गया था बैम्बू साड़ी एंड बनाना साड़ी। वो साड़ी इतना सॉफ्ट और सिल्की होता है, जो आपका रिंग होता है 5 सेकंड में पूरा साड़ी निकल जाता है, तो ऑटोमेटिकली कितने की होती है? 1200 से 1500 से उसका रेंज मार्केट का नाम ब्लैक स्टार रिंग होता है ना, उनमें जो स्टोन फिक्स करने के बाद में उसमें लाइट में हल्का सा भी लाइट पड़ेगा तो उसमें स्टार बनता है, वो भी स्टोन मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा जो मुमताज के क्राउन के अंदर में लगा हुआ था ब्लैक स्टोन। First stop. Inside the gate on the left. Right at the end of the corner you have the washroom there. Yeah, both man. Guys, you all together.